हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया मार्ट। इस स्टॉक की हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिस तरह से हम लोगों को सिखाते हैं। उसका एक झलक मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्टॉक में एनालिसिस करना चाहिए आपको, और किस तरह से स्टॉक ने इसने एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न बना के दिया है, और अभी भी इसमें स्कोप है कि अभी भी यहाँ से और ऊपर जा सकता है। इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि प्राइस वाइज आपको थोड़ी सी महंगी दिखेगी, लेकिन यदि आप कंपनी वाइज देखेंगे, मार्केट कैप वाइज देखेंगे, तो आपको अपनी छोटी दिखेगी। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इस पर। तो इंडिया मार्ट जो है एक तरह से, एक आप देखो तो ये एक यूनिक बिजनेस है। ये कंपनी जो है खासकर लॉकडाउन में जो है एक एक्सपोनेंशियली इमर्ज किया है इस कंपनी ने। इसकी जो अर्निंग है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आप देखो कि इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस है, डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री है। टुडे स्टैंड्स आउट एज द गेम चेंजर ऑन द B2B स्पेस। जो काम कर रहे हैं वो गेम चेंजिंग है। इट फोकसेस ऑन द इंटीग्रेटिंग द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस टू द न्यू प्लेटफॉर्म विद स्पीड एंड ईज। इनका काम है कि दो बिजनेस को जो है मतलब कि ज्वाइन करना, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। वी आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग द फ्रंटियर्स ऑफ इनोवेशन टू मेक द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मोर एक्सेसिबल, विजिबल एंड एंगेजिंग टू देम। इन शॉर्ट जो है कंपनी B2B में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करती है, ठीक है, ऐप बेस्ड है। चलिए इसमें आप देखो कि इस कंपनी के जो पीयर्स हैं, ये पीयर्स जो है ये सब आपको इन्फो एज जस्टल दिख रहा है, लेकिन ये सब डायरेक्ट पीयर्स नहीं है सब, ठीक है। ये B2B बिजनेस में नहीं है। ये इनका काम जो है इंडिया मार्ट का जो है मटेरियल सप्लाई करना। तो इस कंपनी का आप देखो, कंपनी की जो फंडामेंटल, कंपनी आपको बहुत छोटी दिख रही है। कंपनी जो है ओनली 26,000 करोड़ की मार्केट कैप, ठीक है। तो ये जो है मिड कैप कंपनी हो गई, ठीक है। हालांकि प्राइस आपको महंगा दिख रहा है, तो आपको प्राइस पे लगेगा कि भाई 9,000 का एक स्टॉक लूम है, ठीक है। लेकिन यदि आप इस तरह से देखेंगे कि हमको 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 में एक स्टॉक आ रहा है, 20,000 करना है तो दो स्टॉक आ रहा है। इस तरह से देखिए आप, स्टॉक चलना चाहिए, स्टॉक चलना चाहिए। जिस तरह से आज आप देखोगे कि आज आप स्टॉक को आप देखेंगे, इंडिया मार्ट जो है आज 11% चला है। इस तरह की मूवमेंट यदि आपने एक भी स्टॉक लिया है और वो आपका 11% चल पड़ता है, तो आपको 1,000 रुपया मिल जाता है, ऑलमोस्ट 900 रुपया बनता भी है, जाता भी है। लेकिन स्टॉक में जो है एक टेलविंड है जो स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। इंडिया मार्ट जो है क्यों, क्या हो रही है इसमें, तो आप देखो ये कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। -32 करोड़ का जो है एक इसका जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी था, जो बढ़ गया था -16, फिर 17 में फॉल हुआ है। 18 के आसपास जब उस कंपनी की एक IPO आई थी, तो उसके बाद से स्टॉक में जो है आप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा जा रहा है, और अर्निंग जो है इसमें एक्सपैंड किया है। बोलते हैं ना प्राइस टू अर्निंग एक्सपैंड करना, ये एक्सपैंड किया है, 147 हो गया है, अभी 268, मतलब कि ह्यूज एक्सपेंशन हो रही है। आप इसके मार्जिन को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ईयर ऑन मार्जिन जो है ये आपको 3%, 26%, 40% एक्सपैंड किया मार्जिन। कंपनी अच्छा पैसा बना रही है, आप क्वार्टरली देख सकते हैं, इसका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया है। आप जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देखो, एक साल से आप कंपेयर करोगे तो एक साल पहले 43 करोड़ था, अभी 87, ऑलमोस्ट डबल हो गया है इसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% का मार्जिन है, ऑब्वियस है आपको जो है कंपनी पैसा बना के देगी। तो इस कंपनी के पास जो है ये एक आप एक कैशेज कंपनी है, 390 करोड़ का जो है इसके पास रिजर्व है। डेट जो है काफी नॉमिनल है इसके पास, 0.17, जो वो भी हेल्दी है। इसके स्टॉक की जब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक में जो है ये आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो है कंपनी की जो है रिजर्व्स इसका जो है बढ़ते जा रहा है। कंपनी की जो रिटर्न रेशियो है वो भी काफी अच्छी है, 68 जो है रिटर्न इक्विटी है,
और इस कंपनी ने पिछले एक साल में 284% का रिटर्न दिया है आपको, काफी जो है माउथ वाटरिंग रिटर्न आपको दिया है इसने। इस स्टॉक की हम टेक्निकल देखेंगे, ठीक है। आज देखो, आज स्टॉक ने ये जो है यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक ने ये कुछ दिनों का हाई था जहां पे कंसोलिडेट करा था, और उसने जो है आज इसने ब्रेकआउट दिया, और इस स्टॉक को मैं जो है कल ही मैंने जो है जो हमारे जो प्रीमियम सर्विस में जिन्होंने लिया है उनको हमने रिकमेंड किया था, हमने जो है कल ही बता दिया था कि स्टॉक जो है आप देखो जो है हमने कल स्टॉक को रिकमेंड किया था, हमने 8250 पे बताया था स्टॉक को और 8750 का टारगेट दिया था, 900 टारगेट है, वो आज ही उसने क्रॉस कर गया, ठीक है। और फिर मैंने उस पर अपडेट भी किया, हमने बताया कि स्टॉक 10,000 से लेके 10,000 तक जा सकता है, हो सकता है कि कल ही वो 10,000 भी हिट कर दे। स्टॉक काफी मोमेंटम में है, साथ में स्टॉप लॉस भी दिया हमने। और इस स्टॉक को हम देखेंगे तो आप हमारे ट्विटर पे भी जाएंगे, इस स्टॉक को मैं बहुत पहले से रिकमेंड करते आ रहा हूँ। आज देखो यहाँ पे भी मैंने दिया है, आप 883 पे से पहले यहाँ भी मैं डाल देता हूँ, थोड़ा लेट आता है लेकिन यहाँ भी डालता हूँ, ठीक है। तो आप देखो स्टॉक में जो है बहुत पहले से स्टॉक में अपडेट करते आ रहे हैं कि हमने किस तरह से, तो आप देखो स्टॉक को मैं बहुत जब से ये आईपीओ आया है तब से मैं स्टॉक को रिकमेंड करते आ रहा हूँ, 1266 से स्टॉक को रिकमेंड करते करते जो है हम स्टॉक को 10,000 तक यहाँ पे रिकमेंड करते आया है। स्टॉक में काफी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, स्टॉक अभी अभी 9,000 आपको प्लस आपको दिख रहा है स्टॉक यहाँ पे। ये सब जो है आपको रिकमेंडेशंस हमारे ट्विटर पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा, ठीक है। फ्री रिकमेंडेशंस आप चाहते हैं कि परफेक्ट टाइमली आपको रिकमेंडेशन मिले तो फ्रंट पेज का जो है आप सर्विस ले सकते हैं, इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि इस स्टॉक में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। तो आज स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और स्टॉक हायर टॉप एंड हायर बॉटम बना रहा है, स्टॉक में ऊपर की चाल है, स्टॉक ऊपर भागना चाह रहा है, ठीक है। स्टॉक वीकली प्राइसेस देखेंगे तो वीकली भी जो है आप देखो इस यहाँ पे जो है कुछ इंडिसेसिव कैंडल बन रहे थे, एक हैंगिंग वैन बन रहा है, थोड़ा सा एक काइंड ऑफ स्पिन टॉप भी बन रहा है, और स्टॉक जो है सब इंडिसेसिव पैटर्न को बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक ऊपर की चाल है। ये आप मंथ पे ऑब्जर्व करते हैं स्टॉक को, ये आप देखो कुछ महीनों से स्टॉक चलते आ रहा है, स्टिल ट्रेंड इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो इसमें अभी भी स्टोरी बन रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट आ भी सकती है, स्टॉक कभी कभी इंटरडे में एक वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करता है, लेकिन स्टॉक में जो ऊपर की चाल है। ऐसा स्टॉक ये आप टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में आप देखोगे यदि एमएससीडी को ऑब्जर्व करेंगे तो एमएससीडी आपको दिखेगा कि एमएससीडी ने आज इसने ब्रेकआउट दिया है, एक कट किया इसने, एमएससीडी सिग्नल कट किया था, एक बुलिश साइन है, तो ये आपका जो है एक बाइंग मोमेंटम आ रही है स्टॉक में और स्टॉक ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉक बीच में था, कंसोलिडेशन फेज में था, और स्टॉक आज जो है ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है और फंडामेंटली भी अच्छी है। इस तरह के जो है स्टोरी में हमेशा लाते रहता हूँ, ये आप हमारे जो है वेबसाइट पे जाके यूट्यूब चैनल पे जाकर कर सकते हैं, ऐसा मैंने पहले ही बनाया है स्टॉक पे वीडियो, पहले भी बनाया हुआ है, और ऐसे हम डालते रहते हैं। इससे पहले हमने एक डिक्शन का बनाया था, वो भी स्टॉक अच्छा चला था, इस तरह के तो आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, और यहाँ पे आप वीडियोस में आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हमने, प्लेलिस्ट में जो है आपको कंसेप्चुअली आप स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट किया आपने, स्टॉक मार्केट कंसेप्चुअली जरूर देखें, यहाँ पे आप यहाँ पे सारे कंसेप्चुअल वीडियो दिए जाएंगे। और हमने जो है फोल्डर वाइज भी बनाया हुआ है जिसमें आप टेक्निकल फंडामेंटल मार्केट आउटलुक आईपीओ सब एनालिसिस आपको यहाँ पे दिखता है, आप यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और इस तरह के एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो कि आप आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली जो है आप मार्केट को एनालाइज करें, आप हमारी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस है, क्लासेस को आप विजिट कीजिए, हमारे वेबसाइट jagdishsir.com पर जाइए, क्लासेस देखिए वहाँ पे, और क्लासेस की रिव्यू भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल में जाएंगे जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस में कंसल्ट जाएंगे, जो मेरे नाम से ही है, आप वहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रिव्यू मिल जाएगा, आप रिव्यू कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अपडेट हुआ है, ये नंबर आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप हमारे फ्रेंड फॉलोअर हैं, यदि ये नंबर आपके पास नहीं है तो ये नंबर आप सेव करके आप मुझे पिंग कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए, और यदि आपके पास आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको जरूर खुलना चाहिए, क्योंकि आपका आजकल काफी पैसा बन रहा है आईपीओ मार्केट में, यदि ठीक है तो एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, अच्छे अच्छे आईपीओ में लगाओ, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ओपन डीमैट अकाउंट के जाएंगे तो आप यहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी लिंक है ऊपर डीमैट अकाउंट करके, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप अकाउंट खुलाएंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से खुलाएंगे तो आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा,
अकाउंट खुलने में भी सपोर्ट करते हैं, अकाउंट खुलने के बाद भी करते हैं, और आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में भी जो है हम सपोर्ट करते हैं, ताकि लाइव मार्केट में कहीं भी आप स्टक करते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं होप करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए जो है काफी बेनिफिशियल रहा होगा। जिस तरह से हम अपने फैन फॉलोइंग के पैसा बना के देते हैं, वैसा आपका ही पैसा बनता रहे। आप अपने आपको पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए, उनको भी रिकमेंड कीजिए, वो देखेंगे, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे वो। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।